आज मैं बात कर रहा हूँ कुत्तों की। क्या? हाँ तो सबकी बात होनी चाहिए ना, कुत्ता तो बहुत वफादार होता है। कुत्ता ऐसा वफादार प्राणी है, उसकी वफादारी की तो महिमा अपरंपार है। कुत्ता कभी अपने मालिक से उधार नहीं मांगता, कभी 15-20 दिन की छुट्टी नहीं मांगता कि हुजूर छुट्टी दे दो, गांव जाना है अपने बाल बच्चों को मिलने। कुत्ता कभी फालतू में सलाह नहीं देता, बस मालिक के आगे पीछे पूरी जिंदगी। ये तो है कुत्ते के दुम की बात। अच्छा सोचिए, अगर कुत्तों की तरह इंसान की भी पूछ होती तो क्या क्या क्रांतिकारी परिवर्तन होते, बहुत मजा आता। तो बड़ी ही दुमदार, मेरा मतलब है बड़ा ही दमदार परिवर्तन होता जिंदगी में पूछ वाला इंसान। पति की अगर जरा सी पूछ हिली तो वाइफ को शक होने लगेगी। वाइफ बोलेंगी, ये क्या हो रहा है, बालकनी पे खड़े होकर पूछ हिलाई जा रही, मैं सब समझती हूँ। सामने वाले छज्जे पे कल मुही पड़ोसन आके खड़ी होगी, चलिए अंदर। पति बेचारा दोनों टांगों के बीच में दुम दबा के अंदर भागेगा और कुर्सी बैठ जाएगा। समझ में आया ममता? फिकर ना करो, लड़की लोग के भी पूछ होगी। हाँ, अब रुख करते हैं पॉलिटिक्स की तरफ। आजकल पॉलिटिक्स में गठबंधन का जमाना है। गठबंधन का, उस जमाने में नेता लोग पूछ से पूछ मिला के गठबंधन को कामयाब करने की कसमें खाया करेंगे। जिस नेता की जितनी बड़ी पूछ होगी पॉलिटिक्स में, उसकी उतनी ज्यादा पूछ होगी। पूछ जिंदाबाद। और वो माँ बाप जो अपने घरों में पंखे और कूलर नहीं लगवा पाए करेंगे, वो अपने अपनी दुम में हाथ वाला पंखा बांध दिया करेंगे और बच्चों को सुलाने के लिए उनके ऊपर झलेंगे। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुनि करे तमाशा। ये दोनों तो सो गए, अब चलती हूँ, छोटी की भी दुम हिला ली। शोले पार्ट टू में गब्बर सिंह ठाकुर से कहेंगे, ठाकुर क्या कहा था तूने, ये पूछ नहीं फांसी का फंदा है, ये पूछ नहीं फांसी का फंदा है, देख देख खुल गया फंदा। अब मैं तेरे वो हाल करूंगा कि दुनिया थूकेगी तुझ पर। ठाकुर ये पूछ हमका दे दे, ठाकुर ये पूछ हमका दे दे। और पता चला बाकी की फिल्म है ठाकुर बगैर पूछ के गब्बर से बदला लेते हुए नजर आएंगे।